अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की बहुत रहमत होगी। जैसा कि आपने देखा हो कि पाकिस्तान में मौजूद जो इटली की एम्बेसी और सफ़ारतखाना है, लोग इसके मतलब जानना चाहते हैं कि क्या वो ओपन है। तो मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जो इटली की एम्बेसी और सफ़ारतखाना है जी बिल्कुल ओपन है और काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें चंद एक वीज़े ही हैं जो अप्लाई किए जा सकते हैं। कराची में मौजूद इटली की सफ़ारतखाना है, वहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा ही अप्लाई किया जा सकता है। और रही बात इस्लामाबाद में मौजूद एम्बेसी की, तो वहाँ पर स्टूडेंट वीज़े के साथ साथ फैमिली वीज़ा भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा विज़िट वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा और सीजनल वीज़ा अप्लाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि जहाँ पर इटली में यहाँ की गवर्नमेंट सीजनल वीज़े ओपन कर रही है और 30 अक्टूबर को ये फाइनल डेट देगी और बताएगी कि किन कंट्रीज़ को वीज़े मिल रहे हैं। इस दफ़ा उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल किया जाएगा। लास्ट टाइम पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल नहीं किया जा सका, लेकिन इस दफ़ा यहाँ पर लेबर्स की जरूरत है और उम्मीद रखी जा सकती है कि इस वक्त पाकिस्तान को शामिल किया जाएगा। लेकिन वक्त से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता, जो तो 30 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि कौन से मुल्क शामिल किए गए हैं और किस कंट्रीज़ को कितने वीज़े दिए गए हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।